69,000 भर्तियों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। पहुंचे शिक्षा मंत्री के आवास, सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के आवास का किया घेराव। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का अभ्यर्थी कर रहे हैं घेराव। दो लोग मर गए हैं कल फांसी लगा के, क्या चाहते हैं कि पूरे सब के सब मर जाए, पूरा सब मर जाए, हम क्या चाहते हैं। दैनिक जागरण लिखा है सरकार मान ली है, सरकार मान ली है, गलत छपवा दिया जाता है और जबकि गलत हो रहा है आप लोगों के साथ। आप लोगों की सरकार डबल मिल जाएगी, सुनवाई हुई नहीं है, फैसला उस पे आया, कोई एक पैसे की सुनवाई। कोर्ट ने राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती को जमानत दी। नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को जमानत मिली। कोर्ट ने सभी को 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी। राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। लखनऊ, मान्यवर काशीराम जी की जयंती के अवसर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया माल्यार्पण। पार्टी के मुख्यालय में काशीराम की प्रतिमा पर किया पुष्पांजलि। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के नेता कार्यकर्ता रहे मौजूद। लखनऊ, ऊर्जा मंत्री की अपील के बावजूद हड़ताल पर आमादा विद्युत कर्मी। प्रदेश में 1,00,000 से ज्यादा बिजली कर्मचारी कर सकते हैं हड़ताल। कल 16 मार्च से 72 घंटे की होगी हड़ताल। ऊर्जा निगम प्रबंधन से है कर्मचारियों की नाराजगी। कई इलाकों में हो सकता है विद्युत आपूर्ति का संकट। नई दिल्ली, आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा को दिया नोटिस। सिसोदिया की गिरफ्तारी, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर नोटिस। राज्यसभा के शून्यकाल में मुद्दे उठाने के लिए नोटिस दिया। 1984 भोपाल गैस कांड में पीड़ितों को नहीं मिलेगा बड़ा मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज। लखनऊ, यूपी डीजीपी ने पुलिस कर्मियों को दिए सख्त निर्देश। कब्जा दिलाने या हटवाने का काम ना करे पुलिस। भूमि विवाद के मामलों में कार्रवाई ना करने के निर्देश। कब्जा दिलाने या हटवाने की कार्रवाई ना करने के निर्देश। लखनऊ, प्रदेश सरकार शहरों में टाउनशिप बनाने की अनुमति देगी। 12 एकड़ में टाउनशिप बनाने की अनुमति देने जा रही है। टाउनशिप बनाने वालों को जमीन की रजिस्ट्री पर छूट मिलेगी। जमीन की रजिस्ट्री पर 50 दिन की छूट दी जाएगी।